अब आइए एक आपको पहले एक कहानी सुना दें। एक राजा का राज था। राजा के राज में प्रजा बड़ी सुखी थी। अपनी जगह बैठ रहे बच्चों, राजा अभी बैठे रहो देर लगेगी, अभी बैठे रहो देर लगेगी। राजा के राज में प्रजा, अभी सब चीजें देखो अभी देर है। राजा के राज में प्रजा बड़ी दुखी थी, सुखी थी, हर तरह से संपन्न थी, न्याय से, खुशहाली से, समृद्धि से, सोने से, चांदी से, कपड़ों से, अन्न से, व्यवहार से, उठने से, बैठने से, सेवा से, मोहब्बत प्यार से, सबसे सुखी थी। दो बच्चे थे, राजा ने अपने बच्चों को बालकों के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया। अगस्त मात कोई सहयोग की बात, अगस्त मात राजा का देहांत हो गया। प्रजा बहुत रोई, मेरा जब धर्मात्मा, मेरा बड़ा पुण्य आत्मा, मेरा राजा बड़ा अच्छा राजा हमारा चला गया, अब हमारी देखभाल कौन करेगा। तो लड़कों को बुलवाया विद्वानों ने कि भाई बिना राज के रात तो ठीक नहीं है, तो इसलिए काम करो कि अब भाई ये तो स्थान ग्रहण कर लो। तो जो बड़ा बच्चा था उसको बैठाया कि अब तुम राजा बन जाओ, ये तुम्हारी प्रजा और तुम राजा हो जाओ। रात तिलक कर दिया, गद्दी पे बैठा दिया और सुना दिया प्रजा को ये राजा हो गया और तुम्हारी अब देखभाल करेगा। उस बेचारे को अनुभव तो कुछ था नहीं पूरा, क्योंकि अब महात्माओं के आश्रम में जब गए तो पढ़ा तो नहीं। बस थोड़े दिनों के बाद प्रजा दुखी रहने लगी, प्रजा में गड़बड़ी होने लगी, प्रजा रोने और चिल्लाने लगी। राजा बहुत कुछ सोचे कि मैं क्या करूं, मैं बहुत उपाय करता हूं लेकिन प्रजा को कोई सुख नहीं मिला। तो होते होते प्रजा चिल्ला पड़ी, राजा खराब है, राजा खराब है, राजा खराब है। किसी ने कहा कि अरे भाई आपकी सारी प्रजा कह रही राजा खराब, एक महात्मा जी पहाड़िया पर रहते हैं, तो तुम चले जाओ और जाकर के उनसे प्रार्थना करो कि हमारे राज पर संकट आ गया, तो इस संकट को किसी तरह से कृपा करके दूर कर दीजिए। राजा गया, बेचारा गया पहाड़िया पर, देखा वह महात्मा, उनको प्रणाम किया और कहा कि राजन तुम अब कैसे आए, इतनी देर तुमने कैसे की। चले गए, महाराज मुझे तो मालूम था नहीं कि इस पहाड़िया पर कोई महात्मा रहते हैं कि तुम्हारे राज में, तुमको ये नहीं मालूम कि महात्मा रहते कि नहीं रहते, फिर तुम्हारा राज कैसा। चले महाराज बड़ा संकट आया है, कृपा कर दीजिए हमारा संकट प्रजा का चला जाए और सारी प्रजा रो रही, तुम उनका अच्छा एक काम करो। किताबों में लिखा हुआ है कि प्रजा पर, परिवार पर, शरीर पर कोई संकट अगर आ जाए, चाहे राजा हो, तो भगवान नाम का जाप करा ले तो ये तकलीफ दूर हो जाएगी। जाओ अपने राज में बड़े बड़े विद्वानों की खोज करो और खोज करके महल में बैठा करके भगवान नाम का जाप करा लो, तो तुम्हारा और प्रजा का संकट कम भी हो जाए, हो सकता दूर भी हो जाए। राजा उधर से आए, अधिकारियों को भेज दिया कि जाओ तुम चले जाओ, विद्वानों की खोज करो। एक विद्वान मंदिर में जल चढ़ा रहे थे शिव जी के, जब बाहर निकल के आए तो देखा चंदन लगा हुआ। आप कौन है? कह लेंगे मैं तो ब्राह्मण हूँ। कह लेंगे बस आप ही की तो तलाश के लिए मैं आया था, और चलिए चलिए राजा ने आपको याद किया है, जल्दी चलिए आप, आपको और कुछ नहीं करना, राज पर संकट आ गया, भगवान नाम का जाप कर दो, आपको दक्षिणा मिलेगी। जब वो गए तो सब सामग्री दे करके जाप करने के लिए बैठाया, तो ब्राह्मण बोले, कह लेंगे भाई ठहर सो जाओ, जरा हमको सोच लेने दो कि हम शंकर की क्या जाप करें, कि राम का जाप करें, कि कृष्ण का जाप करें, कि देवी का जाप करें, कि गंगा जमुना का। कुछ देर तक वो सोचते रहे, जब उनकी समझ में कुछ नहीं आया तो धीरे से वो बोलने लगे कि क्या जाप करूं क्या ना करूं, कौन सा जाप करूं कौन सा ना करूं, किस नाम का जाप करूं किस नाम का ना करूं। धीरे धीरे बोलने लगे कि क्या जाप करूं क्या ना करूं, क्या जाप करूं क्या ना करूं, क्या जाप करूं क्या ना करूं, क्या जाप करूं क्या ना कर जाप, ये भगवान नाम का जाप होने लगा। तब तक किसी ने कहा राजन एक विद्वान को और बैठा दीजिए, तो राज का संकट जल्दी दूर हो जाएगा। तो अधिकारियों को भेज दिया, एक ब्राह्मण को और पकड़ लिया। कह लेंगे महाराज आपको दक्षिणा मिलेगी, आपको क्या करना, भगवान नाम का जाप करना, राज पर संकट आ गया वो दूर होना चाहिए। दूसरे ब्राह्मण आए, जब वो बैठ गए तो कहा महाराज अब जाप कीजिए, उनका भाई ठहर जाए। उनसे जरा होशियार थे, उन्होंने सोचा कि भाई ये कितने दिनों से जाप कर रहे हैं, तो कई दिन उनको लग गए। ये किस नाम का जाप कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे कहते थे क्या जाप करूं क्या ना करूं, क्या जाप करूं क्या ना करूं। तो दूसरे विद्वान कहने लगे जो ये करे सो मैं करूं।
जो ये करे तो मैं करूं, जो ये करे तो मैं करूं, जो ये करे तो मैं करूं, जो ये करे। तब तक किसी ने कहा कि राजन अगर एक विद्वान को और बुला करके बैठा दो तो राज संकट जल्दी दूर हो जाएगा। तो दौड़े अधिकारी दौड़ाया तो तीसरे ब्राह्मण को और पकड़ लाए। वो दोनों से होशियार, उनसे कहा महाराज आपको अच्छी दक्षिणा मिलेगी, भगवान नाम का हाथ जाप कर दीजिए। तो जब बैठ गए तो उनका भाई ठहर जाओ, मुझे सोचने दो, विचार नहीं करने दो, जाप करने के लिए तुम्हें आए। उन्होंने सोचा कि पहले वाले विद्वान क्या जाप कर रहे। तो पहला कहता है कि क्या जाप करूं क्या ना करूं, दूसरा कहता है जो ये जाप करे तो मैं करूं, तो तीसरा कहता है कि धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तब तक किसी ने कहा राजन तुम्हारे राज का सब नाश हो जाएगा। अरे तीन विद्वान जाप के लिए नहीं बैठाए जाते हैं, ये त्रिदोष हो जाएगा तो राज में संपात हो जाएगा। चौथे विद्वान को जल्दी खोजो और उसको ले आओ, तब राज संकट जाएगा। तो दौड़ पड़े अधिकारी चौथे को पकड़ ले। जब चौथे आए तो तीनों से चौथे होशियार। उन्होंने सोचा कि भाई पहले वाले तीन क्या कर रहे। तो एक कहता है कि क्या जाप करूं क्या ना करूं, क्या जाप करूं क्या ना करूं। तो दूसरा कहता है जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। तो तीसरा कहता है ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तो चौथा कहता है कि जब तक चलेगी जब तक सही, जब तक चलेगी जब तक सही, जब तक चलेगी जब तक सही, जब तक चलेगी जब तक। ये चारों जाप कर रहे। एक कहता है कि क्या जाप करूं क्या ना करूं, दूसरा कहता है जो ये करे तो मैं करूं, तीसरा कहता है ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तो चौथा कहता है जब तक भारत की जनता नहीं जगेगी तब तक चलेगी, जब तक भारत की जनता नहीं जगेगी तब तक चलेगी, जब तक भारत की जनता नहीं जगेगी तब तक चलेगी, जब तक भूम जो तक हथियार का तार नहीं जगेंगे तब तक ये धांधली चलेगी। किसी ने आकर के कहा कि राजन बड़े बड़े विद्वान भगवान नाम का जाप कर रहे, उसको देखा जाए। तो आगे आप मंत्री ने कि चलो सिपाहियों राजा जाप देखना चाहते हैं। सिपाही गए, विद्वानों से कहा कि अरे विद्वानों मंत्री और राजा आपके जाप को देखने के लिए आ रहे। कह लगे कोई चिंता फिक्र मत करो, कब आ रहे, कितने बजे से आएंगे, इतने बजे से आएंगे, चल पड़े। बात वो सब के सब विद्वान जोर से बोलने लगे क्या जाप करूं क्या ना करूं, जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तो चौथा विद्वान कहता है जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक धांधली चलेगी, जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक धांधली चलेगी। तो राजा साहब ने जब कानों से सुना कह रहे, एक कहता है कि क्या करूं जाप करूं क्या ना करूं, दूसरा कहता है कि ये करे तो मैं करूं, तीसरा कहता है धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, चौथा कहता है जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक चलेगी। तो राजा साहब ने कहा रे बदमाशों मैं आ गया, तुम्हारी बदमाशी नहीं चलेगी। आप तो भी क्या मान, आप लोग घबराओ मत।